माने नहीं। सभी को नमस्ते। थोड़ा सा व्यवधान हो गया, उसके लिए हम लोग केवल अफसोस जाहिर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ में मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी नागराज जी को स्मरण करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को नमस्ते, और हम अनुभव दर्शन का पठन प्रारंभ करेंगे। यह अनुभव दर्शन पहले प्राकथन है। यह अनुभव दर्शन सअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में सहअस्तित्व, सअस्तित्व में विकास, विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु अनुभव दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया चाहे वो जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। अमरकंटक, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार, श्री संवत 2061, तदनुसार दिनांक 30/3/2004। ये नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन संस्थित। इसकी विधि ऐसे रखेंगे कि हम एक एक पेज को मैं पढ़ूंगा और उसमें यदि मुझे आवश्यक लगेगा तो कुछ जगह पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण यदि आवश्यक लगेगा तो उसको करूंगा, और पूरा होने के बाद जो समय यदि बचेगा तो उस पर हम लोग कुछ यदि प्रश्न आते हैं तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अध्याय एक, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। मैं से मन वृत्ति चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है। इसमें इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। यही जीवन जागृति है। देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित था स्वीकृत रहा। यह ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह सत्ता है। यह अपरिणामी और अस्तित्व पूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। यह शब्दों के द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है, केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है।
यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है। यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है, जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक की जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है, तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार व अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है, यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूँ, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से ही बुद्धि चित्त वृत्ति और मन अभिभूति अनुगमित रहना पाया जाता है, अर्थात अनुभव के रूप में मन वृत्ति चित्त बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं। एक बिंदु इसमें है, आत्मा मन से अविभाज्य, तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि चारों आत्मा के साथ रहते हैं और ये कभी अलग नहीं होता है। तो पुरानी मान्यताएं जो हैं कि आत्मा इनसे अलग होता है और अंत में ब्रह्म में विलय हो जाता है, इस प्रकार का अर्थ न चला जाए, इसलिए इस वाक्य को लिखा गया है कि आत्मा मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा अविभाज्य। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है साधना के बारे में है कि साधना का अर्थ है कि ये सब मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मानुगामी होना, अर्थात आत्मा के अनुगामी होना, आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति और वृत्ति के अनुसार मन होने का नाम ही साधना। मेरा और मैं के बारे में थोड़ी सी स्पष्टता है। मैं के बारे में स्पष्ट है कि जो चैतन्य निकाय का मध्यांश जिसको आत्मा कहते हैं वही मैं है, किंतु भ्रमित अवस्था में जो बुद्धि है वो अपने आप को मैं मान लेता है और बुद्धि चित्त वृत्ति और मन इन चारों को जो मिलकर कहा जाता है कि वो मेरा है। एक बिंदु इसमें है कि ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म निरूपण करता है कि ब्रह्म की परिभाषा करना, ब्रह्म को स्पष्ट करने के लिए भाषा के द्वारा जब बोला जाए उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म का निरूपण करना। पांचवा इसमें है अभिभूत, अभिभूति और अनुगमित। आत्मा जब प्रत्यावर्तित होता है व्यापक में तो वो व्यापक में तदाकार हो जाता है, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। आत्मा उस समय भी मन वृत्ति चित्त और बुद्धि के साथ ही अविभाज्य रूप में बना रहता है और ऐसा होते हुए भी आत्मा व्यापक में प्रत्यावर्तित होने के कारण व्यापक में सदाकार हो जाता है। इस शब्द को, इस स्थिति को अभिभूति शब्द दिया हुआ है, अभिभूति, और इस अभिभूति के अनुगमित बाकी चीजें रहती है। तो आत्मा जब व्यापकता में अनुभूत होता है, उसकी महिमा से अभिभूत होता है, उस समय बुद्धि आत्मा से पूरी तरह अभिभूत हो जाती है और चित्त बुद्धि से अभिभूत हो जाता है और ये पूरी प्रक्रिया मन तक आती है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट किया। पेज तीन में अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित और अभिव्यक्त रहने से है। इस प्रकार निर्भ्रम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण स्पष्ट होता है। इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूं जो अजागृति व भ्रम का द्योतक है। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप अर्थात यथास्थिति स्वरूप में आत्मबोध रहित होना ही रहा, इस स्थिति का नाम अहंकार है। ऐसी घटना के कारण में शोध और अनुसंधान की आपूर्ति रही, मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने का कारण यथावत रहा। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने व उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज है और आवश्यक है।
आत्मबोध और ब्रह्म अनुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है। यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। यह ब्रह्मानुभूति सर्व मानव सहज इष्ट है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी यथार्थता वास्तविकता सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यह सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्त है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्त का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति सहज सर्वोच्च विकासपूर्ण जागृतिपूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। ब्रह्म व्यापक में आत्मा चैतन्य इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता, जीवन अमर है। विकास भेद से इस पृथ्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में द्रष्टव्य है। प्रत्येक इकाई प्रकृति का भिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। प्रकृति क्रिया समुच्चय एवं ब्रह्म सहज सह अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। इसमें एक है कि बुद्धि जागृति के पूर्व आत्मबोध रहित ही रहता है। जागृति के पूर्व यदि बुद्धि की स्थिति को तो देखेंगे तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता, अर्थात बुद्धि का प्रत्यावर्तन को ही बोध क्रिया कह रहे हैं या उसी को आत्मबोध भी कह रहे हैं। तो जागृति के पूर्व बुद्धि में आत्मबोध नहीं रहता है, आत्मा से विमुख रहती है। उस स्थिति का नाम दिया है कि अहंकार। और आत्मा भी अनुभव के पहले व्यापक में प्रत्यावर्तित नहीं रहता है, अर्थात आत्मा का जो प्रत्यावर्तन क्रिया है अनुभव वो नहीं रहता। तो ये एक बात विशेष रूप से इंगित करा रहे हैं, क्योंकि परंपराओं में इसके पहले प्रचलित था कि आत्मा सर्वत्र या हमेशा ज्ञान संपन्न रहता ही, तो वो अर्थ न चला जाए इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है भ्रमित अवस्था में, इसीलिए बुद्धि में बोध या आत्मबोध नहीं रहता है, उस स्थिति का नाम अहंकार है। दूसरा, आत्मा का भी प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है। आत्मा का प्रत्यावर्तन नहीं रहने का मतलब आत्मा अनुभव रहित स्थिति में होता है जागृति के पूर्व। और आखिरी जो लाइन है, जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान, इसी को विवेक के रूप में हम लोग इसको पहचाने हुए हैं। हम इसको इस शब्द की परिभाषा को हम देखेंगे। प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है। प्रत्येक इकाई में विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। शक्ति का अंतर्नियोजन ही जागृति कोष्ठक में विकास है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। विकास के संदर्भ में इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। ब्रह्मानुभूति के योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक ही जागृति व ब्रह्म की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेम मयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दया कृपा करुणा सहज संयुक्त प्रमाण ही प्रेम है। ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग्य की संज्ञा दी जाती है। अनुभव सहज आनंद में निरंतरता ब्रह्म अनुभूति सहज आद्यांत लक्षण है, जो अधिक न्यून व अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्नता और प्रमाण है। अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना ब्रह्म मुक्त एवं जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। मोक्ष पद ही नित्य, अन्य पद अनित्य है। मोक्ष पद में ही आनंद सहज निरंतरता है, किसी अन्य पद में नहीं।
आत्मा सहज अभीष्ट ही यह में अनुभव है, इसीलिए आत्मा अपने से अविभाज्य बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया एवं ब्रह्म मध्यस्थ सत्ता है। सम विषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा ही मैं और मैं का इष्ट ब्रह्म। अंतर नियोजन व बहिर्गमन, ये दोनों ही चीजों को लिया गया है। शक्ति का जो अंतर नियोजन है वो विकास का कारण है, और इसके साथ अंतर नियोजन के साथ उसका बहिर्गमन भी होना आवश्यक है, जिसको आप प्रमाण कह रहे हैं परावर्तन क्रिया के बारे में। आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना, जड़ के आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना ही जागृति है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ यहाँ पर इशारा है कि जड़ जो पदार्थ हैं उसके आस्वादन शरीर के माध्यम से ही होते हैं, और उससे मुक्त होना ही मोक्ष है। और ये तब होता है कि जब आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाता है, आत्मा ब्रह्म में अनुभूत होता है, उस समय आस्वादन सुख की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि अधिक में कम जो है वो तिरोहित हो जाता है, अधिक विकसित में कम का विलय हो जाता है। इसीलिए जो इंद्रियों का जो इंद्रियों से जो सुख की अपेक्षा है वो बहुत कम हो जाती है। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म अवस्था में। जीवन मुक्त इकाई अर्थात ब्रह्म मुक्ति में भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है, यही अन्य के सुधार के लिए वो जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह में अनुभव ही परमानंद है। यह में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव में विद्यमान है। यह में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। यह ही शून्य ज्ञान और सान्य सत्ता है, इसलिए यह समस्त क्रिया का आधार है। इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्म अनुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि सहअस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए यह अनुभूति मूलक सत्यापन केवल सार्वभौम लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। आपतता ही प्रमाण सहित उपदेश का कारण है। उपदेश अर्थात उपाय सहित आदेश। जीवन मुक्त ब्रह्म मुक्ति में आपतता का अभाव नहीं है। नित्यम यातु शुरू हो गया। यह शब्द व्यापक वस्तु के लिए है। परंपरा में जो प्रचलित है यह शब्द, यह के बजाय वह कहा गया है। व्यापक वस्तु जिसको ब्रह्म परंपरा में माना गया है उसके लिए वह शब्द बहुत जल्दी प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने जो मध्यस्थ दर्शन में उसको वह न लिखा, ब्रह्म को यह लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, साथ में है, बल्कि इसी में हम सब लोग डूबे हुए भीगे हुए गिरे हैं। जो सामान्य जो रिवाज है वो दूर की वस्तु के लिए वह शब्द होता है और पास की वस्तु के लिए यह होता है, तो ये सबसे अधिक पास है, इसीलिए इसके लिए ब्रह्म के लिए यह शब्द लिखा गया। दूसरी बात, शून्य ज्ञान और सान्य सत्ता तीनों एक ही चीज को कह रहे हैं, तो व्यापक वस्तु को ही शून्य कह रहे हैं, उसी को ज्ञान भी कह रहे हैं और उसी को सान्य सत्ता भी कह रहे हैं, इसी को आकाश भी कह रहे हैं। आकाश से एक बहुत बड़ा जो परंपरा में बहुत प्रचलित है आकाश शब्द, ज्यादातर ये पंच महाभूत के रूप में सुनने को आता है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पांच, कोई पांच तत्व तो बोलता है, कोई पंच महाभूत कह रहे हैं, तो इसमें आकाश को एक महाभूत माना गया है, लेकिन यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में आकाश जो है वही व्यापक वस्तु है, वही शून्य है, वही ब्रह्म है, और यह बिल्कुल प्रकृति से भिन्न है। और प्रकृति
में ये आर पार है, इसको हम आगे देखेंगे, पारगामी है। तो इसका पहला अध्याय पूरा हुआ, अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं।